मुझे लगता है कि ये भी होना जरूरी था। तो जो भी फैंस इस तरह की चीजें कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं उनको बोलना चाहूंगा कि मेरा ये कंबाइन था शायद बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी। मैंने वो रिस्पेक्टिव दायरे कभी क्रॉस नहीं किया, मैंने फालतू के झगड़े नहीं किए, ऐसी मूवमेंट इतना सख्त बना दिया आपने मेरे लिए। इसका मजाक उड़ा तो ये ऑफेंड हो जा रहा है, इसका मजाक ये ऑफेंड हो जा रहा है। मैंने उस इंसान की आंखों में ये देखा कि इसको परवाह नहीं है बिल्कुल। मनारा के लिए मेरे दिल में नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा, आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर एंड बिग बॉस सीजन 17 के विजेता मुनव्वर, स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका ये मानना है कि अगर आयशा घर में नहीं आती तो मुनव्वर फिनाले तक नहीं पहुँचता है, क्या कहोगे उन लोगों? दूसरा भी कोई ग्रुप है? दूसरे सवाल में अभी बताऊंगा। मैं सोचता हूँ कि ये नहीं होता तो ये होता, ये होता तो ये नहीं होता, ये सारी चीज़ें बहुत हाइपोथेटिकली हम प्रिटेंड तो कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट मैं यही सोचता हूँ कि एट दी एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इस तरह की जो चीज़ है जो हुई और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है भाई, मुझे लगता है कि ये भी होना ज़रूरी था। और जो लिखा हुआ होता है वो होता ही आता है, जिससे चीज़ों से जितना भी भाग हो, आना होता है वो आता है, दिखना होता है वो दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं आई एम ओके कि ये जो कुछ भी हुआ, और ये नहीं होता तो कुछ और होता और बेहतर होता। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मैंने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लाइन लिखा था पर इस बंदे को देखते ही मैं वो लाइन भूल गया। इट वॉज लाइक कि बिग बॉस के घर में गलतियों को सीना ठोक कर मानने वाला डोंगरी का शहजादा लेकर आया ट्रॉफी। क्या बात है यार। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मान तो लिया आपने, बट देयर इज अ सेट ऑफ पीपल बिलोंग्स टू यू, योर फैन, दे कॉल देमसेल्फ योर फैन, जो आयशा पर अटैक कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट आपसे तीखे सवाल पूछ रहे थे प्रेस राउंड में, उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, तो अपने फॉलोअर्स को आप क्या कह रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि आप ऐसे हो इसलिए फॉलोअर्स ऐसे। अभी दो राउंड पहले ही वो लेडी मेरे साथ बैठे थे यहाँ पे, जिनसे जिनका एक बहुत तीखा क्वेश्चन आया था, मैंने उनको बोला भी कि अगर मेरा आंसर आपको सख्त लगा हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं 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 मेरा सवाल वो था, तो उन्होंने ही सामने से वो चीज़ बोली। तो जो भी फैंस इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं उनको बोलना चाहूँगा कि दे आर डूइंग दैट जॉब, और ये इनका काम कर रहे हो, और जितने अगर कड़क सवाल है मतलब समझो ये अपना काम और अच्छे से कर रहे हैं। मेरा काम जवाब देना है, और बहुत सारे एक्शन से इंसान जवाब देता है, तो अभी सिर्फ मुँह से दे रहा हूँ, बट एक टाइम आएगा जब एक्शन से जवाब दूंगा तो ये जो तीखे क्वेश्चन है वो प्यारे क्वेश्चन में बदल जाएंगे। प्यार दो इनको भी, हम पर्सनली चाहते हैं वो बदल जाए। खैर, दो रियलिटी शोज आपने कर लिए, तीसरा क्या खतरों के खिलाड़ी में जंप करना है? देखो अभी तो खतरे तो सारे देख लिए ना, खतरों के खिलाड़ी मेरा ये कंबाइन था शायद बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी। तो मैं काम के लिए तो एनी टाइम रेडी हूँ, अब यहाँ से देखते हैं कि मैं अभी जाकर थोड़ा प्रोसेस करूँ चीज़ों को, थोड़ा सेलिब्रेट करूँ एक दिन दो दिन, उसके बाद फिर काम पे निकलेंगे जो भी आया करेंगे। डू यू थिंक यू डिजर्व टू विन दिस शो? क्योंकि ऐसा हो रहा था कि बहुत दिनों तक मुनव्वर खेल ही नहीं रहा है। देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत सारे लोग जैसे सेट ऑफ पीपल आप कहते हो, सेट ऑफ पीपल कहते हो कि बहुत दिनों से मुनव्वर खेल रहा है, आपको हमेशा वो बिग बॉस शो, आपने एक शो किया है, आप बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हो कि आपने शो जीता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, बट अगर आप एक टीवी पे हो आपको बिहेव करना है, भाई कह रहे हैं आपको सिविलाइज बिहेव करना है, आप अपने घर में ऐसे बात करते हो, पहले तो ये घर है बाद में शो है, तो ये सारी चीज़ों को थॉट करके आप कैसे उस शो को लेके जाते हो। और आई थिंक मैंने वो दायरे रखे, मैंने वो रिस्पेक्टिव दायरे कभी क्रॉस नहीं किए, मैंने फालतू के झगड़े नहीं किए, ऐसी चीज़ें नहीं बोली, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को लगा होगा कि इसने नहीं खेला गेम, जहाँ ज़रूरत थी जो चीज़ थी मैंने उस तरह अपनी बात रखी, हमेशा स्टैंड लिया है, और पहले दिन से लोगों ने प्यार दिया है मेरे को, और मैं खुश हूँ अपनी जर्नी से, और डेफिनेटली आई फील आई वॉज डिज़र्विंग। अभिषेक को मैं कभी नहीं बोलूँगा कि वो डिज़र्विंग नहीं था, अभिषेक और मैं दोनों ही डिजर्व करते थे, हम दोनों वो सेम राइड में बैठे थे। मेरे को ये पूछना है कि कई बार ऐसा होता है ना, मजाक मजाक में हम कुछ बोल जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने कह दिया था कि बिग बॉस के इस घर ने बाहर मेरे 3-4 घर तोड़ दिए, बहुत सारे लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर जाते हैं, यू नो। तो ये जो हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं ना,
कमीडियन वाला नेचर मूवमेंट आ जाता नहीं, हीट भी नहीं है मूवमेंट की, लाइट ऑफ द मूवमेंट की, मूवमेंट इतना सख्त बना दिया आपने मेरे लिए कि अभी हंसी की इतनी ज़रूरत है इस सख्त माहौल में। तो मैंने एक चीज़ कह दी, आई डोंट मीन इट, आई दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन मेक अ फन और दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, राइट, बट मैं उसका मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं अपना मजाक उड़ा रहा हूँ। इसका मजाक उड़ाओ तो ये ऑफेंड हो जा रहा है, इसका मजाक ये ऑफेंड हो जा रहा है, मैं अपना मजाक उड़ाऊँ तब भी लोग ऑफेंड होंगे, समझ रहे हो ना? तो बस इतना संभाल लिया। आखिरी सवाल, सो दैट हमारे पास टाइम बहुत कम है, आपका बिग बॉस के घर में एंड में विकी के साथ हाथापाई हो गई थी और विकी अगर एलिमिनेट नहीं होते तो लोग उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार मान रहे थे ट्रॉफी का, आपको भी यही लग रहा था? और जो हाथापाई जो लड़ाई हुई थी, वॉज दैट योर रियल साइड की जब आपको गुस्सा आता है किसी चीज़ को, हालांकि आप सही थे लेकिन गुस्सा आया तो मुनावर का जो एक साइड जो एक झलक नज़र आया कि भाई इसका एग्रेशन लेवल इस नोट पर भी जा सकता है, क्या वो रियल था? डेफिनेटली रियल था। एक दिन से हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे मसालों को लेकर और वो टास्क को लेकर, और जब मैंने देखा कि मैं एक झाड़ पे हूँ और मैं कुछ कर रहा था, वो बाल्टी उतार रहा था और उस सिचुएशन में मैं गिर सकता था, मेरे को इंजरी हो सकती थी, तो मैंने उस इंसान की आंखों में ये देखा कि इसको परवाह नहीं है बिल्कुल कि मैं गिर जाऊँगा, मैं हर्ट हो जाऊँगा, लग जाएगा। तो मतलब ऐसा था कि अब गुस्से का पारा एक नेक्स्ट लेवल तक जा चुका था, और नेक्स्ट लेवल तक जब गुस्से का पारा जाता है और आपको कोई इंसान हर्ट करने ही आया है तो मैं उसको प्यार तो नहीं करूँगा, मैं उसको पकड़ तो लूँगा कि भाई क्या है प्रॉब्लम तेरा। तो मैंने बस वो पकड़ा था, मैंने हाथ वाथ नहीं उठाया था, तो हाथापाई नहीं हो वो, ऐसे ही है कि भाई व्हाट्स योर प्रॉब्लम ब्रो। एंड ही वाज योर टफेस्ट कंपटीशन, क्योंकि लोगों को लग रहा था वो ट्रॉफी के दावेदार हैं बहुत सारे। डेफिनेटली वो पहले दिन से गेम में बहुत इन्वॉल्व थे, हर चीज़ों में इन्वॉल्व थे, बट होता है ना कि दावेदार तो सभी थे, विजेता एक ही था। विजेता एक ही था, वो था मुनावर। क्या मुनावर के दिल में मनारा के लिए कुछ है अभी भी? मनारा के लिए मेरे दिल में दोस्ती बिल्कुल है, पहले भी थी और दोस्ती ही रहेगी। क्या आपने बीच में कहा था शी मेड यू अनकंफर्टेबल, आपने एक स्टेटमेंट दे दिया था? वो कुछ चीज़ें होती है और आई डोंट थिंक वो चीज़ें मैटर करती है। थैंक यू सो मच। ये थे बिग बॉस सीजन 17 के विजेता, जिन्हें पता है शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। डोंट गिव मी दैट लुक, नहीं तो मैं वापस ट्रोल हो जाऊंगा। नहीं, इट्स ओके। नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट ही था, अगर मैं राइटर हूँ तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ही है ये, बिल्कुल। तो मैं ज़रा भी डिनाई नहीं करूँगा, शब्दों का खेल खेलना नहीं आता, शब्दों को इस्तेमाल करना आता है और बस वही करना है। अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो मुझे जवाब अच्छे से देने। हेलो गाइज, माय नेम इज़ मुनव्वर फारूकी और आप देख रहे हो टेली चक्कर।